हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक में जो फर्स्ट पार्ट है आपको दिखाना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, 1 लाख इक्वल्स टू डैश 10,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 1 लाख लिखते कैसे हैं हम। 1 और 50, ठीक है, 1 और 50। अब यहां पर कॉमा प्लेस कर देते हैं, तो पहले तो 3 के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले काम होगा यहां से कॉमा हटा दो आप, जो कॉमा हमने प्लेस किए हुए थे। तो सिंपल 50 पुट कर दिया आपने, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब आपको 1000 में कॉमा प्लेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 1000 तो ये हो गया आपका, जो फर्स्ट 1000 ये है और सेकंड ये आ गया। ठीक है, तो 1000 तो यहां तक हो जाएगा और ये कितना हुआ आपका 10,000, यहां से लेकर यहां तक 10,000। ठीक है, अब आगे कितना बचा 10, तो कितने आ गए यहां पर 10,000। तो आंसर यहां पर कितना होगा 10। ठीक है, तो 10,000 किसमें 1 लाख में। नेक्स्ट देखो बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000। तो कितने 100,000 होते हैं 1 मिलियन में। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000। तो पहले तो लिख लेते हैं हम 1 मिलियन होता कितना है। 1 मिलियन का मतलब है 1 और 60, 1 और 60। ठीक है, फिर वही पहले की तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसमें क्या था हमने फर्स्ट पार्ट में, ये कॉमे को हटा देते हैं यहां से और 60 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिलियन में आ गया आपका, इतनी डिजिट होती है। अब इसके बाद हमें 100,000 है, तो 100,000 तक काउंट करते हैं। पहले यहां 1000 होगा और यहां पर 100 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक का आपका कितना आ गया 100,000। अब इसके बाद क्या बचता है आपके पास 10, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट कहता है 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश 10 लाख। 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश 10 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1 करोड़ में कितनी डिजिट होती है। देखो 1 करोड़ को हम इस तरह से लिखते हैं, 1 करोड़ इक्वल्स टू 7 डिजिट आ जाएंगे, 0 आएंगी, 3, 3, 6 और 1, 7। ठीक है, तो कॉमा प्लेस कर देते हैं यहां पर, पहले 3 के बाद, फिर 2 और फिर 2 के बाद। ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, कॉमे को रिमूव कर दो और 70 लगा दो। ठीक है, तो ये 1 करोड़ में आ गए इतने। इसके बाद कॉमा हम प्लेस करते हैं कितना, पहला 10 लाख के लिए, 10 लाख कहां पर होगा आपका। ठीक है, तो 10 लाख ये 50 लाख हो गया और यहां तक 10 लाख हो जाएगा आपका। ये 1000 हो गया,
ये 10,000 और फिर यहां देखा जाए तो ये 10 लाख, ठीक है। अब क्या बचता है मेरे पास, 10, तो 1 करोड़ में कितना होता है 10 10 लाख, यहां पर भी कितना आ जाएगा आंसर 10 10 लाख। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट। डी कहता है कि 1 करोड़ इक्वस टू डैश मिलियन। इससे वाले पहले वाले पार्ट में क्या पूछा था, 1 करोड़ में 10 लाख था, कितने 10 लाख होते हैं। इस बार पूछा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो सबसे पहले हम 1 करोड़ होता क्या है लिख लेते हैं, पहले 1 और 7 जीरो, इस तरह से हम 1 करोड़ को लिखते हैं, 1 और 7 जीरो, कॉमा प्लेस कर देते हैं 3 के बाद, 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, कॉमा को रिमूव कर देते हैं और 7 जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब कितना बोला है, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले 1 मिलियन में कितने हो? 0 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहां तक आपका हो गया 1 मिलियन, सो 10 मिलियन, अब 1 मिलियन, ठीक है। और ये कितना बचा आगे, 10, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 मिलियन, 10 मिलियन, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 10 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या कहता है, 1 मिलियन इक्वस टू डैश लैक। इस बार क्या पूछा गया है कि 1 मिलियन में कितने लैक होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम मिलियन लिख लेते हैं कि मिलियन होता क्या है। 1 मिलियन को हम कैसे लिखते हैं, 1 और 6 जीरो, 1 और 6 जीरो, ठीक है। इसके बाद कॉमे को रिप्लेस कर देते हैं और 6 जीरो ला देते हैं यहां पर, ठीक है। अब मुझे लिखना क्या है, लैक में कन्वर्ट करना है, तो पहले तो हम इसमें लैक में मतलब 5 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहां तक तो हो गया आपका 1 लैक। इसके बाद क्या बचाइए, 10, तो 1 मिलियन में कितना हो गया आपका 10 लैक, यहां पर भी कितना आ गया 10। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है नंबर, आपको इसको न्यूमरल्स में लिखना है और उसके बाद यहां पर कॉमा आपको प्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि सेवेंटी 3 लाख और 75,000 307, ठीक है। ये नंबर आपका वर्ड में लिखा हुआ है, इसको नंबर्स में लिखना है। सबसे पहला वर्ड हमारा ये होगा, तो देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कितना लिखा है 73 लाख, यहां तक क्वेश्चन पढ़ते हैं 73 लाख, तो आपने लिखा 73 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद लिखा 75,000, तो 75,000 कैसे लिखेंगे हम, 75,000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, ये आ गया 75,000, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। उसके बाद आता है 307, 307, तो 307
और 07, 307 को हम ऐसे लिखते हैं। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो यहां पर 7 हुआ, यहां पर 0, यहां पर 3, ये 5, 0 को 7 में कह देंगे ऐड 7, 3 एज इट इज, फिर 7। अब ये आपका नंबर आ गया 73,75,307, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्या पूछा है कि उसने आपको कॉमा यहां पर प्लेस करना है, ठीक है, कॉमा का यूज करना है करेक्टली। तो 73,75,307, तो सबसे पहले यहां पर कॉमा आएगा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर अगेन 2 के बाद, ठीक है। आगे आगे डिजिट नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। 9,05,41, देखो बी पार्ट, 9,05,41 ये नंबर आपका। तो सबसे पहले देखो 9 करोड़ लिखते हैं हम, 9 करोड़, करोड़ में जीरो होती है 7, करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर आए 5 लाख, लाख में जीरो होती हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। इसके बाद 41, सो 41, अब इनको ऐड कर देते हैं, तो 1, 4, 0, 0, 0, 0 और 5, 5 हो गया, फिर 0 और 9, ठीक है। तो ये तो मेरा नंबर आ गया है, कौन सा नंबर जो वर्ड में लिखा हुआ है 9,55,41, 9,50,41, ठीक है। अब मुझे इसमें कॉमा प्लेस करना है, तो नंबर लिखे थे पहले 9,05,00,41, तो सबसे पहले कॉमा यहां 3 के बाद आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 के बाद, फिर अगेन 2 के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। 7 करोड़ 50 2 लाख 20 1,302, तो देखो ये नंबर है मेरा। सबसे पहले 7 करोड़, अभी मैंने करोड़ पहले क्वेश्चन में किया था, करोड़ में हमारे 7 जीरो होती है, तो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले 7 और 7 जीरो, ठीक है। इसके बाद 52 लाख, और लाख में कितनी जीरो होती है 5 जीरो, तो देखो आप इधर से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम राइट से, 1, 2, 3, 4 और 5, और कितना ये 52 है, आगे लिख दो 52, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 21,000, तो 1,000 में जीरो कितनी होती है हमारी 3 जीरो होती है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट राइट, सॉरी एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे हम, 1, 2, 3, 3 जीरो लगाई हमने यहां पर। उसके बाद नंबर क्या है हमारा 21, तो 21,000, ठीक है। और लास्ट का नंबर क्या है 302, तो 2 यूनिट प्लेस पे आ गया, ठीक है, और 300 प्लेस 302। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ये 2 हो गया, ये 0, 0 को 3 के साथ ऐड करेंगे 3 आएगा,
जीरो को वन के साथ ऐड करेंगे वन, जीरो को टू के साथ ऐड करेंगे टू, अगेन जीरो को टू के साथ ऐड करेंगे टू, नेक्स्ट फाइव और नेक्स्ट सेवन। तो देखो ये मेरा नंबर हो गया, अब मुझे इसमें कॉमा पुट करना है, तो नंबर लिख लेते हैं 7 5 2 2 1 3 0 2। पहले तीन के बाद, फिर दो के बाद कॉमा, फिर अगेन दो के बाद, ठीक है। तो ये नंबर आ गया 7 करोड़ 52 लाख 21,302, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट देखते हैं, फिफ्टी एट मिलियन फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड टू, ये नंबर है, ठीक है। अब मुझे इसको नंबर में लिखना है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। अच्छा यहां पर मिलियन है तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है नंबर, करोड़ होता है तो वो इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम अलग होता है और इंटरनेशनल सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया 58 मिलियन, तो हमारा 1 मिलियन में 6 जीरो होती है, 58 और 6 जीरो आप लिख देंगे इनके पीछे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आ गया आपका 58 मिलियन। इसके बाद 423,000, अब थाउजेंड में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है, तो 1 2 3 तीन जीरो लगाई आपने, और आगे कितना लिखना है 423, यानी 423, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 202, सो 202। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, यहां पर 0, अगेन 2, 3, अगेन 2, 4, 8, 5, ये नंबर आ गया आपका 58,423,202। अब मुझे कॉमा प्लेस करना है, और किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, 5 8 4 2 3 2 0 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में हमें इसको पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि वो इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। जैसे यहां लिखा था 73 लाख, 73 लाख और 75,307, और यहां देखो करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41, तो यहां पर लाख आ रहा है, ठीक है, 1 लाख 72 लाख या जो भी है, तो ये इंडियन सिस्टम में बोला जाता है, जबकि आपका इंटरनेशनल सिस्टम में हम मिलियन यूज करते हैं, ठीक है। अब कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा प्लेस तीन तीन के बाद होता है, जबकि इंडियन सिस्टम में क्या है, पहला कॉमा जो होगा वो तीन के बाद होगा, बाकी कॉमे दो दो के बाद होते हैं। तो सबसे हम अब प्लेस कर रहे हैं पहले तीन के बाद, फिर दोबारा तीन के बाद, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन के बाद होता है कॉमा। नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट 23,30,010, ठीक है, ये नंबर है। तो सबसे पहले इसको हम नंबर्स में लिखते हैं, 23 लाख, फर्स्ट का लिखा आपका 23 लाख, तो 23 लिखा आपने, लाख है, लाख में कितना होता है 50, 1 2 3 4 5, 50 प्लेस कर दिया आपने। इसके बाद 30,000,
तो थाउजेंड में कितनी जीरो होती है हमारे, तीन। तो यहां हम सबसे राइट से, जो एक्सट्रीम राइट है वहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 0 प्लेस करी थाउजेंड में। अब कितना है थाउजेंड, 30,000 है, 30,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 10, इसको ऐड कर दिया, 0 1 0, अगेन 0 3 3 2, ठीक है। ये हमने न्यूमेरल फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे कॉमा प्लेस करना है, क्योंकि यहां पर 1 लाख आ रहा है, सॉरी 3 लाख आ रहा है ना, तो ये इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम में हम कॉमा पहले 3 फिर 2 2 के बाद प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट 3 के बाद फिर 2 के बाद आपका कॉमा प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और नंबर हो जाएगा 23,30,010। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो अब आपको जो है कॉमे का यूज करना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और फिर उसको लिखना है वर्ड में, वो भी किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए, 8759 5762, ये नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले कॉमा प्लेस कर देते हैं। तो पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले 3 नंबर के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 2 के बाद, ठीक है। अब इसको मुझे वर्ड में लिखना है, तो देखो थाउजेंड का मतलब क्या है, 3 0, लैख, 1 लैख का मतलब अगर लैख आ जाता है तो 5 0, और करोड़ 7 0, ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले देखो 8 की पोजीशन क्या है, 8 के पीछे कितनी जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 आ रही है, और 7 0 का मतलब क्या है, करोड़। तो ये कितना होगा, 8 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है, 75, इसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 0 है, 5 0 का मतलब क्या होता है, लैख, तो 75 लैख। नेक्स्ट नंबर देखो कितना है, 95, अब 95 के पीछे कितनी जीरो है, 1 2 3, 3 0 का मतलब क्या है, थाउजेंड, तो ये हो गया 95,000, और ये कितना हुआ, 762। तो देखो नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 8 करोड़, फिर 75, लैख, फिर नेक्स्ट 95,000, सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू, 762, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या था, कॉमे को हमने इंसर्ट किया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और फिर इसको हमने नेम दिया इसको, ठीक है, वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी, 8 5 4 6 2 8 3, ये नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर कॉमा इंसर्ट कर देते हैं, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 2 डिजिट के बाद कर देते हैं, ठीक है। अब इसको वर्ड्स में लिखना है, वो भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखो ये कितना है, 85, इसके बाद कितनी जीरो होंगी, 1 2 3 4 5, 5 0 का मतलब है लैख, 5 0 का मतलब क्या होता है, लैख। तो 85 लैख। नेक्स्ट देखो 46, 46 के बाद कितनी जीरो है, 3 0, 3 0 का मतलब क्या है, थाउजेंड, 40
46,000 नेक्स्ट 283 283 क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सी पार्ट 9990046 ये नंबर है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग से कॉमा इंसर्ट कर देते हैं, पहले तीन के बाद फिर दो दो के बाद, ठीक है। अब देखो 1,30,50,70, ठीक है। तो देखो पहला नंबर है 9, अब 9 के बाद देखो कितनी जीरो आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, करोड़। तो 9 करोड़ यहां लिख देता हूं मैं, 9 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हम जो नंबर देखते हैं ना वो कॉमे जो कॉमा लगाया हमने इंसर्ट किया है उनके बीच के नंबर देखते हैं, फिर उनके बाद जो होता है जीरोस उनको काउंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉमे के बाद केवल एक ही नंबर था तो उसके बाद जितने भी नंबर है उसको जीरो एज ए जीरो काउंट किया। अब यहां पर दो नंबर है कॉमे के बीच में, क्या है, दो नंबर है, तो दोनों को एक साथ लेंगे 99 बोलेंगे, 99 फिर उसके बाद जीरो काउंट करेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 99 99। अब कितनी जीरो आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो का मतलब क्या है, लैख, तो 99 लैख। इसके बाद देखो कॉमे के बाद कौन सा नंबर है, 046, ठीक है। तो 100 पे तो है नहीं, टेंस पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, 46 सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट 9843 2701 ये नंबर है, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा इंसर्ट करते हैं, पहले तीन के बाद फिर दो दो के बाद, ठीक है। अब इसको वर्ड में लिखना है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि कॉमे के बीच में जो नंबर होगा ना उसको पूरा रीड करेंगे, यहां अगर एक नंबर है तो एक को रीड करेंगे, दो है तो दो को एक साथ रीड करेंगे। जैसे यहां पर एक नंबर है तो ये कितना हुआ 9, अब इसके बाद जीरो जो इतने भी नंबर है उसको एज ए जीरो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी जीरो है, 7, और 7 जीरो का मतलब है करोड़, तो 9 करोड़, ठीक है। अब दोनों कॉमे के बीच में क्या नंबर है, 84, तो इसको पूरा ही पढ़ेंगे 84, और इसके बाद कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 84 लैख, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो 32, दो कॉमो के बीच में है ना 32, इसके बाद कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 3 का मतलब 1000, 32,000, और नेक्स्ट क्या बचा आपका 701, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वो किसके अकॉर्डिंग किया था, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। लेकिन अब इस बार हमें सेम क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरेशन जो दिया गया है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो कॉमा भी जो इंसर्ट होगा वो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए,
7892 1092, ये डिजिट है ठीक है। अब आपको इसको इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले देखो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमा इंसर्ट करते हैं, वो किस तरह से करते हैं देखो, तीन तीन के बाद, पहले तीन के बाद फिर तीन के बाद, जबकि इंडियन सिस्टम में क्या था, फर्स्ट जो होगा वो थ्री के बाद फिर टू टू के बाद होता है। इसके बाद अब इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूं, तो पहले देखो कितना नंबर कॉमे से जो नेक्स्ट लास्ट वाला कॉमा है इसके बाद नंबर क्या था, 78 है ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 78। अब इसके बाद जीरो काउंट करो, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अच्छा यहां लिख लेते हैं 1000 है तो कितनी जीरो होंगी, 3 जीरो, सेम जो आपका इंडियन सिस्टम में होती है, लेकिन वहां पर लैक होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, लैक की जगह आपका मिलियन, मिलियन है, मिलियन में 6 जीरो होती है। नेक्स्ट मिलियन के बाद बिलियन, जिसमें 9 जीरो होती है ठीक है। तो 1000, मिलियन और बिलियन, ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और ये जो है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो 78, अब हमने जीरो कितनी काउंट करी, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, यानी कि मिलियन हो गया ये, तो 78 मिलियन ठीक है। अब दो कॉमों के बीच में नंबर कितना है, 921, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, दो कॉमों के बीच में 99, लेकिन यहां पर क्या है, 921। ठीक है, और ये किसमें काउंट होता है, 1000 में, ये कितना है, 1000 क्यों, क्योंकि इसके बाद अब इस नंबर के बाद कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 3 जीरो आ रही है, तो इसका मतलब 1000 हो गया ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास, 92, ये एज इट इज आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट, 7452283, ये नंबर ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पहले कॉमा इंसर्ट कर देते हैं तीन तीन के बाद, अब इसको वर्ड में लिखना है ठीक है। तो देखो यहां पर कॉमा के बाद केवल एक ही नंबर है, तो इसको लिखते हैं पहले 7, अब इसके बाद जीरो काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो का मतलब है मिलियन, तो ये हो गया 7 मिलियन ठीक है। नेक्स्ट कॉमे के बीच में तीन नंबर है, 452, अब इसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 1000, 3 मतलब 1000, 452 1000 ठीक है, और ये क्या है आपका, 283 ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, 9998 5102, देखिए नंबर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा प्लेस करते हैं, इंसर्ट करते हैं तीन तीन के बाद ठीक है। अब इसको वर्ड में लिखते हैं, तो देखो कॉमा के बाद दो नंबर है, यहां पर एक नंबर था तो यहां पर दो नंबर है, तो दोनों नंबर किस तरह से लिखेंगे, 99, यहां पर क्या था केवल 7 था इसलिए हमने लिखा 7 मिलियन, तो 99, इसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, 6 जीरो का मतलब क्या होता है, मिलियन, 99 मिलियन,
नेक्स्ट कॉमा के बीच में तीन नंबर है, 985, 985। अब इसके बाद कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 3 का मतलब 1000। और लास्ट क्या बचा आपके पास, 102। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डी पार्ट 4804981 ये नंबर है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा आप इंसर्ट करते हैं तीन तीन डिजिट के बाद। अब देखो कॉमा के बाद कितनी है, टू डिजिट है, तो उसको हम क्या रीड करेंगे, 48। जीरो काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 का मतलब है मिलियन, 48 मिलियन। अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, दो कॉमों के बीच में, देखो यहां तो जीरो है, केवल कितना बचा, 49। तो इसको केवल 49 रीड करेंगे, 49। अब इसके बाद कितने जीरो है, 1, 2, 3, 3 0 का मतलब 1000, 49000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, 831, 831। ठीक है, थैंक यू।